सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्वयं भगवान जो इस सृष्टि के रचयिता है, हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, अपने संतानों को अपने घर ले जाने के लिए बाबा आए हैं। और वो भगवान, आज कहते हैं भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाबा कहते हैं भूलो मत, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बाबा कहते हैं बेहद के बाप और दादा के सम्मुख तुम बच्चे बैठे हो, यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चों कितना नशा होना चाहिए। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहां तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। वरिष्ठ जी पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना, यह हमको वरिष्ठ जी पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं, ये ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं, हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता, वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें देवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थ आदि को नहीं मानते। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को ना माना गोया, भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा गलत चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है और साक्षात्कार होने से क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं, भागते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति किसी की होती नहीं है, कि साक्षात्कार हो गया भक्ति में और मुक्ति मिल गई, ऐसा तो होता नहीं है। अब बाप अच्छी रीति वेट समझाते हैं मीठे बच्चे। अब एक तो सबको बाप का परिचय दो,
इस समय सब निधन के हैं, मतलब गरीब हैं। तुम भी निधन के थे, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना, हम नीच पापी हैं। भला ऐसा नीच किसने बनाया? किसी को भी मालूम नहीं है, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है, भगवान हमारा बाप ही है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारे ऐसे दुर्गति क्यों हुई है, यह किसी की बुद्धि में नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते हैं शांति कैसे स्थापना हो। मुंझ पड़े हैं, कन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उनको समझाना है अंत में, तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वो सत्युग में नहीं होंगे, जो सत्युग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं, उनके लिए ही कहा जाता है सिख ले दे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं? पहले पहले परमधाम से आई यहां पाठ बजाने, बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सब के लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगाना है। कोई किसी धर्म के किसी धर्म में चले गए हैं, वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। बाबा जो ज्ञान पूरा सृष्टि चक्र का दे रहे हैं ये समझ नहीं पाते, क्योंकि सभी अलग अलग धर्म में चले गए हैं। सुख भी तुमने देखा है, दुख भी तुमने देखा है, वो भी बहुत बहुत सुख देखा, बहुत दुख भी देखा। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़े? भागते हैं, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेडिसिन खाओगे तो तभी ठीक होगा, एक्सरसाइज करोगे तो तभी ठीक होगा। भागते हैं श्रीमत पर चलना पड़े, तभी सुख पा सकते हो। और औरों को भी याद दिलाते हैं, सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्ग के रचयिता, भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापना करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना कर रहे हैं, यह भी किसी को मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है, प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लग रहे तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। जब हम समझ जाएंगे तो दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, बाप समान निरंकारी नम्रचित बनना है, अपनी सेवा अपने हाथों से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वह तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां
उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता के गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रयल आत्मा का ही श्रेष्ठ कर्म है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हमें सो मान लेना है, मैं संपूर्ण संतुष्ट संपूर्ण तृप्त आत्मा हूं। बाबा की जो शिक्षाएं मिली है उसको बड़े ध्यान रखना है दिन भर, और निरंतर याद रखना है सर्वशक्तिमान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।